हौज सिर्फ मुस्तफा को नहीं मिलना, हर नबी के लिए अल्लाह ने एक हौज बनाया है। और ये जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक है और हदीस का नंबर है 2443। मेरे आका फरमाते इन्ना लिकुल्ले नबीयिन हौदन, फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी के लिए कयामत वाले दिन एक हौज बनाया है। सिर्फ आका के लिए हौज नहीं होगा, हर एक, चूंकि कयामत का दिन है ना, गर्मी होनी है तो फिर प्यास लगनी है, तो उस प्यास को बुझाने के लिए हर नबी की उम्मती नबी के पास आएंगे तो उनको प्यास लगी होगी, तो हर नबी के लिए अल्लाह ने हौज भी बना दिया। वह इन्नहुम यतबाहौना अय्युहुम अक्सरु वारिदतन, तो आका फरमाते हैं कि वो आपस में जो पैगंबर है एक दूसरे पर फखर करेंगे कि किसके हौज पर पानी पीने वाले ज्यादा जमा होते हैं। तो आका फरमाते हैं वह इन्नी अर्जू अन अकून अक्सरहुम वारिदतन, आका फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज पर सबसे ज्यादा लोग जमा होंगे। उसकी वजह क्या है? फरमाया अल्लाह ने हर नबी को सिर्फ हौज दिया है, मुझे हौज नहीं, अल्लाह ने हौज कौसर दिया है, बाकियों के लिए हौज है, कौसर सिर्फ मुस्तफा के लिए। और कौसर ये कसरत से है, कौसर ये कसरत की इंतहा, तो हौज औरों के लिए भी होंगे लेकिन कौसर सिर्फ मुस्तफा के लिए होगा। क्यों? इस हौज पर कसरत की भी इंतहा हो जाएगी, पीने वालों की कसरत की इंतहा यहां होनी है। इसलिए मुझे उम्मीद है मेरे पीने वाले ज्यादा होंगे। हाँ।